उन्हें गहरी चोट आई, जबकि साथ के अन्य लोग बाल बाल बच गए। भगवती प्रसाद रैमसे अस्पताल में भर्ती हुए। एक दिन एक व्यक्ति काफी रात गए आया और मंदिर के फाटक के पास खड़ा होकर एक लालटेन मांगने लगा। उसकी कार खराब हो गई थी, दादा ने लालटेन दे दी। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति लालटेन लौटा गया। अगले दिन महाराज जी ने पूछा, तुम लोगों ने उस आदमी को भोजन कराया था? लोगों ने कहा नहीं। इस पर बाबा जी बोले, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं वे कौन थे। वे सोमवारी बाबा जी महाराज थे। एक बार उत्तर प्रदेश सरकार में तत्कालीन मंत्री श्री जगन प्रसाद रावत ने रानीखेत में पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग ख़त्म होने के बाद अनेक लोगों के साथ भूमियाधार में महाराज जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद वे वहीं बैठ गए। उनकी इच्छा कुछ देर तक बाबा जी के पास बैठने की थी, परंतु बाबा जी ने उन्हें भगा दिया। बोले, भाग जा तू, अभी यहाँ से भाग जा। श्री रावत महाराज जी की आज्ञा मानकर नैनीताल चले आए। वह कमरे में आकर बैठे ही थे कि भूकंप आ गया। यदि वे महाराज जी की आज्ञा के पालन में थोड़ा भी विलंब करते तो भूकंप उस समय आता जब वे पर्वतीय रास्ते से गुजर रहे होते। उस समय कुछ भी अनिष्ट हो सकता था। महाराज जी हनुमानगढ़ में थे। उनके एक भक्त थे भगवती प्रसाद। वे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद से रिटायर हुए थे। एक दिन महाराज जी के दर्शन के लिए गए थे। महाराज जी ने उनसे कहा, तू जा हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा का पाठ कर, कहीं मत जाना। इसके बाद काशीपुर के महाराजा की कार बाबा जी को लेने आई और वे उसमें बैठकर चले गए। उनके जाने के बाद और दर्शनार्थी भी चले जाने लगे। भगवती प्रसाद ने सोचा, जब सभी जा रहे हैं तो वही क्या करेंगे। यहाँ रहकर उन्होंने बाबा जी के आदेश के पालन की आवश्यकता नहीं समझी। वे मार्ग में जा रहे थे कि एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से सरकता हुआ आया और भगवती प्रसाद के पास आ गया। उन्हें गहरी चोट आई, जबकि साथ के अन्य लोग बाल बाल बच गए। भगवती प्रसाद रैमसे अस्पताल में भर्ती हुए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।